भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सुर्खियों में बने हुए। आपने देखा कि गुटबाजी की खबरें सामने आती है, लेकिन ये बड़े बड़े नेता नजरअंदाज कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं की बातों से कुछ अलग ही महसूस होता है। अब उन्होंने एक बयान दिया था, खुद को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार उन्होंने माना था, उनका ही बयान था। अब इसी पर कुमारी सैलजा का पलटवार भी सामने आ गया है। अब ये दोनों नेता ऐसे हैं जो एक मंच पर बहुत कम दिखाई देते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा है कि दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, ये हाई कमान का फैसला होगा। अब किसी को दावेदारी के लिए कहने की जरूरत पड़े तो इस पर हम क्या कहें, ये बात कुमारी सैलजा की ओर से की गई है। इन दोनों बयानों को आप ध्यान से सुनिए, हम आमने सामने करके इन बयानों को सुनवा रहे, इसके मायने खुद समझिए और फिर ये भी हमें बताइए आप खुद समझ कर, क्या ये गुटबाजी नहीं है? सुनिए। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बात करते हैं, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। देखो, वर्सेस की कोई बात नहीं होती, बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन, आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज को देखते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत की, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े, लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं, कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहिए। तो आपने सुना, बिना नाम लिए निशाना साधा है, कांग्रेस को मजबूत करने की सबकी जिम्मेदारी है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे। कुमारी सैलजा ने बात की और एक बार फिर से आपने सुना तो, लेकिन हम आपको बता दें, उनकी ओर से कहा गया कि मैं और मेरे की राजनीति करने की जो जरूरत लोग कर रहे हैं उसको आम लोग भी देख पा रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए, लेकिन जो हो रहा है वो कुमारी सैलजा खुद समझ रही है। सुनिए। देखो, वर्सेस की कोई बात नहीं होती, बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कोई अगर